आज की सबसे बड़ी न्यूज है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि फेसबुक बाज 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो ₹43,574 करोड़। तो रिलायंस जियो में जो है हमारा फेसबुक का जो ये इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण रिलायंस का स्टॉक 11% से अप है। मतलब आज का 11% का मूवमेंट देखने मिला है, 11% का तेज़ी भी देखने मिला है रिलायंस के शेयर में। तो रिलायंस जियो में जो इन्वेस्टमेंट है फेसबुक का, जिससे कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स में आज एक तेज मूवमेंट देखने मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं US सोशल मीडिया जो हमारा फेसबुक है बिल इन्वेस्ट ₹43,574 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। ये जियो प्लेटफॉर्म पे अपना हिस्सेदारी बाय करेगा 10% स्टेक, जिसके कारण रिलायंस का स्टॉक आज बहुत ही तेज मूवमेंट देखने मिला है। और ये अनाउंसमेंट किया गया है फेसबुक की तरफ से कि इतना का हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ए यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, जो जियो प्लेटफॉर्म है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का एक यूनिट है, फॉर इतना परसेंट स्टेक। ए डेवलपमेंट विच ऑन वेडनेसडे बूस्टेड द शेयर ऑफ इंडियन ऑयल टू रिटेल, जो ऑयल में डील करता है रिलायंस, रिटेल में डील करता है, तो कह रहा है ओवर 8% इन ईयरली ट्रेड। मतलब ये 9 बजे ही 8% अप हो गया ओवरऑल। अभी हम आपको बता रहे हैं, जब तक हम ये न्यूज़ आपको दे रहे हैं, 11% तक जियो जो है हमारा वो मूवमेंट देखने मिला है। 11% तक 1375 तक ये स्टॉक पहुँच चुका है, 1375 रुपीज़ तक। तो इतना बड़ा डील है रिलायंस के लिए, इससे रिलायंस अपने डेप्ट को कम करेगा। रिलायंस पे बहुत सारा डेप्ट था, जिसके कारण रिलायंस का स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था। ये हमारा 1000 के नीचे आ गया था ये स्टॉक्स, और अभी ये 1375 रुपीज़ तक आज ये पहुंच चुका है। इतना तेज मूवमेंट रिलायंस में आज हमें देखने मिल रहा है। करा दी इन्वेस्टमेंट विच वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म ए डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म ऑफ 1,00,000 करोड़। अब इस इन्वेस्टमेंट से हमारा जो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म है वो 4.62 लाख करोड़ का हो चुका है। इतना बड़ा कंपनी बन चुका है जियो प्लेटफॉर्म। करा दी डील विथ मुकेश अंबानी आउंड रिलायंस रिड्यूस डेप्ट। तो देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि इससे रिलायंस अपने डेप्ट को, अपने कर्ज को कम करेगा। एंड अलाउ दी मार्क जुकरबर्ग लेड कंपनी गेट ए स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड इन व्हाट इज द US मेजर्स लार्जेस्ट मार्केट। तो देख सकते हैं US लार्जेस्ट मार्केट जो है हमारा फेसबुक, उसके मार्क जुकरबर्ग इसमें एक स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड करेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है रिलायंस के लिए, क्योंकि इससे रिलायंस का डेप्ट कम होगा, जिससे रिलायंस जो है आप स्टॉक ये आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकते हैं आपको। बहुत सारे जो हमारा ब्रोकर है वो बोल रहा है कि अब जो रिलायंस है वो आपको आउट परफॉर्म करते हुए, मतलब एक रिलायंस स्टॉक में बहुत ही तेज का मोमेंटम देखने आगे आपको मिल सकता है। तो आगे देखिए इस न्यूज़ में, आगे भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। करा बोथ कंपनीज इन सेपरेट स्टेटमेंट सेड दैट दे विल वर्क टुगेदर ऑन सम मेजर प्रोजेक्ट। अब बोला गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पर वो एक साथ काम करेंगे, दैट विल ओपन कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल अक्रॉस इंडिया, जो कि इंडिया, पूरे इंडिया में एक कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा पीपल के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड एंड फेसबुक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक टुडे अनाउंस्ड साइनिंग ऑफ बिडिंग एग्रीमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,00,000 करोड़। आज जो है एग्रीमेंट हुआ 1,00,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का बाय फेसबुक इनटू जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है रिलायंस के लिए, और इससे रिलायंस का डेप्ट कम होगा, जिससे रिलायंस जो है आगे आपको स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। अब जान लेते हैं थोड़ा रिलायंस जियो का जो कस्टमर बेस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड विथ 388 मिलियन सब्सक्राइबर, इसका कितना मिलियन सब्सक्राइबर, 388 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है इसका रिलायंस जियो का। विल कंटिन्यू टू रिमेन ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस प्लेटफॉर्म। तो ये रिलायंस का एक सब्सिडरी ही रहेगा विथ होली ओन्ड, मतलब पूरी तरह से जिसको ओन करेगा रिलायंस। रिलायंस सेड दैट दिस वाज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माइनॉरिटी स्टेक, यह माइनॉरिटी स्टेक के लिए एक लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट था किस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी कंपनी में, बाय ए टेक्नोलॉजी कंपनी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि फेसबुक भी हमारा देखते हैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक लार्ज FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ आप आगे देख सकते हैं, इन सेपरेट में अलग स्टेटमेंट में फेसबुक सेड दैट इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर फेसबुक। फेसबुक के लिए जो हमारा है इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है विथ इतना मिलियन मंथली यूजर एंड कंपनीज व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप इज कितना 400 मिलियन 388 मिलियन सब्सक्राइबर है रिलायंस जियो के पास और 328 मिलियन है फेसबुक के पास और व्हाट्सएप ऐप के पास है 400 मिलियन यूज़र बेस। तो ये सारा अब जो सब्सक्राइबर बेस है एक साथ हो जाएगा क्योंकि जो हमारा मतलब जो स्टेक ले रहा है फेसबुक जियो में तो एक साथ ये दोनों प्लेटफॉर्म हो जाएगा और इतने सब्सक्राइबर बेस के साथ एक साथ काम करेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं दिस इज especially important right now because small business are the core of every economy। जो छोटे छोटे business है वो सारे economy का core है और हमारे India में सबसे ज़्यादा small businesses हैं। तो देखते India has more than 60 million small businesses। India में 60 million से अधिक small business है and million of people rely on them for jobs। और बहुत सारे मतलब million of people जो है उस पर निर्भर है किस पे स्मॉल बिजनेसेस पे। तो जैसा कह रहा है यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग सेड इन ए फेसबुक पोस्ट, मार्क जुकरबर्ग जी अपने एक फेसबुक पोस्ट में बोला कि इंडिया में 60 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस है और उस पे मिलियन ऑफ पीपल उस पे निर्भर करते हैं मतलब उस जॉब पे उस स्मॉल बिजनेस पे निर्भर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं द मेन फोकस ऑफ द डील, डील का जो मेन फोकस होगा टू कम अप विथ डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन। डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन मतलब जो भी सोल्यूशन होगा डिजिटल होगा, मतलब जो व्हाट्सएप है और फेसबुक है जियो है ये तीनों मिल करके डिजिटल सोल्यूशन लाएगा। करा 60 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, 120 मिलियन फार्मर्स के लिए, 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट्स के लिए एंड मिलियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है उसके लिए 120 मिलियन फार्मर्स के लिए, 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट के लिए और 60 मिलियन जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है उसके लिए, सब के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन लाएगा अब जियो फेसबुक मिल करके। कराए यहाँ पर करेंट विथ The investment Jio platform Reliance Retail WhatsApp have also entered into commercial partnership। कॉमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है रिलायंस जियो के बीच, रिटेल के बीच और व्हाट्सएप के बीच। फर्दर एक्सेलरेट रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल को अब जो है आगे बढ़ाया जाएगा। न्यू कॉमर्शियल बिजनेस ऑन जियो मार्ट प्लेटफॉर्म, एक नया कॉमर्शियल बिजनेस के रूप में जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर। तो जो रिलायंस का जियो मार्ट प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्शियल हमारा बिजनेस है इसका, वहाँ पर रिलायंस रिटेल को बढ़ाया जाएगा। रिलायंस जियो मार्ट पर रिलायंस रिटेल को बढ़ावा दिया जाएगा यूजिंग व्हाट्सएप, किसके सहायता से, व्हाट्सएप के सहायता से टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस ऑन व्हाट्सएप। अब जो है आपको जो व्हाट्सएप है उस पे स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ाया जाएगा जियो मार्ट पर रिलायंस रिटेल को। इस तरह से बहुत सारे अब जो इसको जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इससे जो लगातार इससे कंपटीशन मिल रहा था उसे अब बढ़ाया जाएगा। मतलब जो व्हाट्सएप है उसको लगातार कंपटीशन मिल रहा था तो अब वो रिलायंस जियो के साथ मिल करके रिलायंस रिटेल को बढ़ाएगा, जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया जाएगा इस सब को व्हाट्सएप के सहायता से। तो ये बहुत ही अच्छा है आगे के लिए रिलायंस स्टॉक के लिए। तो रिलायंस स्टॉक पे अगर आपने शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाया है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कुछ दिनों में, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें बने रहें। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिलायंस में भी करेक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि इसका जो कोर बिजनेस है ऑयल का वो अभी लगातार घाटे में जा रहा है क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल प्राइस है वो लगातार निगेटिव में पहुंच चुका है। तो जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें आप बने रह सकते हैं क्योंकि जो रिलायंस है अब आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।